शुभंकर शुभकामना है और गुरुदेव अकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ विषय हिंदी अध्यापक और विद्यार्थी। बच्चों आप सबको मालूम है हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अध्यापक और विद्यार्थी। एक ये अध्यापक और विद्यार्थी इस पाठ को हम नाटक रूप में चर्चा कर रहे हैं। देखिए बच्चों हिंदी विषय में हो कन्नड़ा में हो या अंग्रेजी में हो विषय को यानी कंटेंट को आपको समझाने के लिए अलग अलग विध में विवरण किया जाता है। तो सबसे पहले कथा रूप में निरूपित रहने वाले कहानियाँ और नीति कथा के रूप में रहने वाले कहानियाँ और व्यक्ति व्यक्तित्व चित्रण यानी व्यक्ति परिचय करते हुए विषय का ज्ञान बढ़ाते हैं। तो इसी तरह आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नाटक रूप में रहने वाला एक कहानी। यहाँ पर दो कैरेक्टर या सबसे पहला है वो है अध्यापक और दूसरा है विद्यार्थी। तो सबसे पहले मैं इस पाठ को ध्यान से पढ़ूंगा आप सुनिए और मेरे साथ आप भी मनन करिए। पाठ दो अध्यापक और विद्यार्थी। विद्यार्थी नमस्ते गुरुजी। अध्यापक नमस्कार तुम्हारा नाम क्या है। विद्यार्थी मेरा नाम रमेश है यहाँ मेरी बहन है। अध्यापक रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है। अध्यापक अध्यापक क्या कहते हैं रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है। तब रमेश बोलता है मेरी बहन का नाम राधा है। अध्यापक राधा तुम कहाँ पढ़ती हो। राधा तुम कहाँ पढ़ती हो। तब राधा कहते हैं मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तब अध्यापक यहाँ तुम्हारा भाई है क्या रमेश। रमेश हाँ ये मेरे बड़े भाई है। अध्यापक क्या नाम है इसका। रमेश कहता है इनका नाम सुहास है। अध्यापक तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। रमेश मेरे पिताजी वकील हैं। अध्यापक क्या वे इसी शहर में रहते हैं। रमेश जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी क्या मैं आपको नाम जान सकता हूँ। अध्यापक हाँ अवश्य मेरा नाम पवन कुमार है। रमेश तुम्हारा घर कहाँ है। रमेश हमारा घर विजयनगर में है। अध्यापक घर कहाँ है गुरुजी। अध्यापक मेरा घर भी विजयनगर में है तुम कभी मेरे घर आना बेटा। रमेश हाँ गुरुजी जरूर आऊंगा। अध्यापक अच्छा चलो देर हो रही है। रमेश धन्यवाद गुरुजी नमस्ते। बच्चों मैं यहाँ पर माधुरी पाठ पढ़ा है तो इसके साथ इस पाठ का वर्णन मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नमस्ते गुरुजी। देखिए बच्चों आप सब जब कक्षा में आते हैं गुरुजी तो सब क्या करते हैं शुभकामना सुनाते हैं। शुभोदय गुरुजी हाँ नमस्ते गुरुजी शुभकामना है गुरुजी इस तरह कहते हैं ना। इसी तरह हाँ यहाँ पर भी एक संदर्भ है तो विद्यार्थी सब मिलकर कहते हैं नमस्ते गुरुजी। अध्यापक नमस्कार तुम्हारा नाम क्या है। तो वहाँ पर नमस्ते किया है ना तो उसका जवाब तो अध्यापक को देना ही पड़ता है। तो तब उन्होंने नमस्कार आपका नाम क्या है कौन पूछा इसको। अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी मेरा नाम रमेश है यहाँ मेरी बहन है। देखिए अध्यापक को मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए मीट करने के लिए यहाँ पर रमेश और उसकी बहन आए हैं। तो इस तरह उन्होंने अपना परिचय कर रहे हैं। उन्होंने का मतलब क्या है रमेश यहाँ पर अपना परिचय कर रहा है ये मेरा नाम रमेश है और ये मेरी बहन है कहता है तो विद्यार्थी मेरा नाम। तब अध्यापक कहते हैं रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है। तो
तो उसका परिचय क्या है बताइए। कहते हैं कौन कहते हैं अध्यापक किसको कहते हैं रमेश। रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है कहा कौन कहा इसको अध्यापक ने कहा रमेश मेरी बहन का नाम राधा है। मेरी बहन का नाम क्या है राधा है कहते हैं तो अध्यापक राधा तुम कहाँ पढ़ती हो तो इस तरह उन्होंने राधा का परिचय करने के लिए बढ़ते हैं यानी परिचय करते हैं। तो तब राधा कहती है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं राधा क्या है एकवचन स्त्रीलिंग रूप है इसीलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ कहती है। अध्यापक यहाँ तुम्हारा भाई है क्या रमेश ये आपका भाई है सही है ना रमेश किसको बोलते हैं रमेश को पूछते हैं तो तब रमेश कहते हैं हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं यानी बड़े मतलब जो उनसे उम्र में बड़े हो अनुभव में बड़े हो उसको हम बड़े भाई कहते हैं। तो यहाँ हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं। अध्यापक क्या नाम है इसका इसका नाम क्या है कहते हैं तब रमेश कहता है इनका नाम सुहास है। अध्यापक तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं कौन पूछते हैं अध्यापक पूछते हैं किसको पूछते हैं वो विद्यार्थी को पूछते हैं। रमेश मेरे पिताजी वकील हैं। मेरे पिताजी वकील वकालत की काम करते हैं। वकालत का काम मतलब जो कोर्ट रहता है वहां पर काम करने वालों को वकील कहते हैं। जो कोर्ट में काम करते हैं उसको हम वकील कहते हैं यानी जो भी समस्या है उस समस्या का परिहार करने के लिए एक व्यक्ति रहते हैं उसको वकील कहते हैं। उस समस्या का परिहार देते हैं उसको हम जज कहते हैं। फैसला करने वाला जज है उस समस्या को लाके उसका सही तरीका ढूंढने वाला वकील होता है। तो इस तरह अध्यापक कहते हैं तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं तब रमेश कहता है मेरे पिताजी वकील हैं वकील काम करते हैं। रमेश मेरे पिताजी वकील हैं। अध्यापक क्या वे इसी शहर में रहते हैं शहर का मतलब होता है सिटी तो क्या वे इसी शहर में पढ़ते हैं या काम करते हैं क्या वे इसी शहर में रहते हैं कहते हैं। तब अध्यापक कहते हैं तब रमेश कहता है जी हाँ जरूर वो जरूर बजरूर इसी शहर में रहते हैं वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ तो मैंने मेरा परिचय किया साथ में मेरी बहन का परिचय किया और मेरे पिताजी का परिचय भी करवाया तो मैं आपका परिचय करना चाहता हूँ क्या है आपका नाम कहता है कौन कहता है रमेश कहता है। तब अध्यापक कहते हैं हाँ अवश्य मेरा नाम पवन कुमार है। इसका नाम पवन कुमार है अध्यापक का नाम पवन कुमार है। रमेश तुम्हारा घर कहाँ है रमेश कहता है फिर अध्यापक को तुम्हारा घर कहाँ पर है बोलता है तब बोलते ही अध्यापक जवाब देते हैं मेरा घर भी विजयनगर में है तुम कभी मेरे घर आना तुम कभी भी हमारे घर को आ सकते हैं बेटा कहता है। तब रमेश कहते हैं हाँ गुरुजी जरूर आऊंगा हाँ गुरुजी जरूर मैं आपके घर को आता हूँ। तब अध्यापक कहते हैं अच्छा चलो देर हो रही है रमेश धन्यवाद गुरुजी नमस्ते हाँ तो इतना देर हमने यहाँ पर बात किया है बहुत देर हो रहा है चलो आप अपने घर जाएं। सब अपने अपने घर को जाते हैं। तो बच्चों आप इस पाठ में ये चर्चा किया गया है कि यहाँ पर रमेश राधा दोनों ने अपना परिचय करते हुए अध्यापक का परिचय भी करवाया है। तो ये सब स्टोरी यानी ये सब कहानी एक प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने लाया गया है। तो इसका महत्व ये है कि आप अपने परिचय करते समय इस तरह का प्रश्न और उत्तर भी देना पड़ता है। यह है इस पाठ का महत्व और इस पाठ में दिया गया वाक्य भी बहुत सरल रूप में है। सरल का मतलब बहुत इजी है बहुत आसान है। इस तरह आप
आसान से अपना परिचय और दूसरों का भी परिचय कर ले सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ का संपूर्ण विवरण आप समझे हैं समझकर मैं इस पाठ को खत्म करता हूँ।